विंध्य क्षेत्र में भाजपा से बगावत कर नारायण त्रिपाठी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी के 25 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वो 44 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। विंध्य जनता पार्टी के प्रमुख नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हमने हमेशा विंध्य प्रदेश की मांग बीजेपी के सामने रखी तो हमें बागी बना दिया गया। बड़ी मुश्किल से हमने विंध्य जनता पार्टी का गठन किया, हमारे साथ छल कपट किया गया। कोई भी पार्टी विंध्य का विकास नहीं कर पाई। जिस राम के नाम पर राजनीति होती है वो राम की भूमि चित्रकूट आज भी विकास से अछूता है। विंध्य पूरी तरह से उपेक्षित है, इसलिए विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विंध्य जनता पार्टी की 25 प्रत्याशियों की सूची आज जारी की जा रही है। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम तय किए कि हमारे विंध्य के लोग भी अब कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। कोई भी सरकार विंध्य के लिए काम नहीं कर पाई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पूरी तरह विंध्य उपेक्षित है। तमाम बातें हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी विंध्यवासियों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विंध्य के पुनर्निर्माण में अपना योगदान और आशीर्वाद दें और अपना विंध्य को का पुनर्निर्माण कराएं। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो राम की तपोभूमि चित्रकूट है। जहाँ राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने वो चित्रकूट विंध्य धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ, आप सभी को आज विंध्यवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे, 2-3 दिन के अंदर 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम 44 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। विंध्य जनता पार्टी ने महियर से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी विंध्य जनता पार्टी ने मनीष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।